Hello, everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be solving some questions of continuity topic for practice, and in the last video, we have already covered the concepts. फॉर कंटीन्यूटी एंड विद सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड की एक्चुअली में कंटिन्यूटी कैसे परफॉर्म होती है एंड वट बेसिक स्टेप दैट नीड्स टू ब फॉलोड सो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं सो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन इज टू टू डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन बेसिकली हमें फंक्शन गिवन है एंड हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये हमारा एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू वन वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट हम सबसे पहले चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे इक्वल टू वन पे चेक करते हैं तो so, हम सबसे पहले क्या करते थे मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती है सबसे पहले हम फंक्शन निकालते हैं उस पॉइंट पे जिस पे चेक करने है मतलब फंक्शन ऑफ वन फंक्शन ऑफ एट इक्वल्स टू वन पे तो हमारा जब वन की वैल्यू एक्स है तो फंक्शन ऑफ वन वन हुआ ओके okay, अब हमें एल एच एल निकालना है एल एच एल इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स और जब वन की एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी सी कम है तब भी हमारा एक्स ही है तो वो वन हुआ अब हम सिमिलरली आरएचएल निकालेंगे जब एक्स x की वैल्यू वन से थोड़ी सी ज्यादा तब क्या होगा जो वन से थोड़ी सी ज्यादा है तो वो फाइव होगा सो एज यू कैन सी कि हमारा एल एच एल आरएचएल और जो फंक्शन है वो इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन जो है इज नॉन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू वन हम एट x इज इक्वल्स टू जीरो पर चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ जीरो निकालना है फंक्शन ऑफ जीरो मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो कब है जब वो वन से थोड़ा सा एक्स की वन से तो कम ही है ऑब्वियसली तो क्या है एक्स जीरो अब एल एच एल निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है लाइक क्या हुआ माइनस जीरो पॉइंट नाइन 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 अगर हम ये कंसिडर करें तो वो वन से तो कम है ही तो क्या आया हमारा एक्स ही आया तो सिमिलरली जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स तो हमें जीरो थोड़ी सी वो बड़ी है तो वो जीरो पॉइंट जीरो 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 वन कंसिडर करें तो क्या है ये वन से तो छोटी है तो सिमिलरली दोबारा ही एक्स ये वाली आएगी तो जीरो मतलब हमारा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो एल एच एल और आरएचएल जो है हमारा ये तीनों हमारे इक्वल है जीरो तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज टू जीरो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइन करने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की जब हमें फंक्शन गिवन है एट डिफाइंड है हमारा कि एक्स की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू वन है तो फंक्शन हमारा एक्सिपार टेन माइनस वन है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो एक्स स्क्वायर है तो हमारा हम फाइन करते हैं क्योंकि देख के पता चले कि हमारा फंक्शन जो है हमारा वो ब्रोकन हो रहा है ब्रोक हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू वन तो हम सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करते हैं तो फंक्शन सबसे पहला फर्स्ट है फंक्शन ऑफ uh, की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन में क्या आएगी एक्स की पावर टेन माइनस वन तो वन पुट कर दो वन की पावर टेन माइनस वन जीरो अब हमें एलएचएल निकालना है जब हमारा फंक्शन जो है वो वन से थोड़ा सा छोटा है तो वन से जब वो थोड़ा सा छोटा है तो सिमिलरली एक वही आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस एक्स की पावर टेन माइनस वन तो क्या आया जीरो अब हमें आरएचएल निकालना है आरएचएल जब लिमिट x अप्रोचेस टू वन वन से थोड़ा सा बड़ा है तब क्या होगा जब वन से थोड़ा सा बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर तो लिमिट x अप्रोचेस टू वन प्लस फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा वन पुट करेंगे तो वन तो अब आप देख के पता चल रहा है कि आपका फंक्शन ऑफ वन और एल एच एल इक्वल तो है बट वो नॉट इक्वल टू आर एच एल है तो हमारा फंक्शन जो है वो नॉन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू वन ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है हमें डिस्कस करनी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन है हमें कि x से अगर वो लेस देन इक्वल टू वन है तो x प्लस टू है और अगर वो x से बड़ा है तो हमारी क्या है x माइनस टू फंक्शन है तो हम फाइंड करते हैं इसकी कंटिन्यूटी तो चेक करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हम पहला केस कंसिडर करते हैं कि हम पहले ना सी लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में जब हमें हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना तो हम एक कॉन्स्टेंट सी ले लेते हैं जैसे एक सी कॉन्स्टेंटली लिया उसकी कोई भी वैल्यू है ओके okay, तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं c लेस देन वन पर जब हमारी C की वैल्यू लेस देन वन है तो हमारा क्या हुआ फंक्शन ऑफ C हुआ हमारा जब C लेस देन वन है तो क्या हुआ C प्लस टू जैसे x लेस देन वन है तो हमारा ये फंक्शन यूज हो रहा है ना तो C क्या है हमारा लेस देन वन तो हमारा फंक्शन ऑफ C क्या हुआ C प्लस टू अब हम लिमिट निकालते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू C फंक्शन ऑफ x लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जब हमारा सी लेस देन वन है तो क्या है हमारा फंक्शन वही एक्स प्लस टू क्या हुआ सी प्लस टू तो मतलब फंक्शन ऑफ सी और हमारा लिमिट वाला जो है वो सेम आ गया मतलब हमारा एफ जो है कंटिन्यूस है कंटिन्यूस है एट ऑल पॉइंट्स जब सी लेस देन वन है ओके यहाँ एक्स लेस देन वन है अब सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं सी सिमिलरली फंक्शन ऑफ सी आपका हुआ सी माइनस टू और जब आप लिमिट एक्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स पुट करोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी आपका फंक्शन क्या कंसिडर होगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू सी माइनस टू तो आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस वो है हर एक वैल्यू के लिए जो ग्रेटर देन वन है ठीक है तो अब हमारे दो केसेस तो समझ आ गए अब थर्ड केस हम कंसिडर करें जब हमारी सी यानी एक्स की वैल्यू अगर हम सी एक्स ले वन है अब हम वन पे फाइंड करेंगे कि वो हमारा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ वन निकालेंगे फंक्शन ऑफ वन क्या आया जब हमारे एक्स की वैल्यू वन है x प्लस टू वाला फंक्शन कंसिडर होगा तो वन प्लस टू थ्री अब हमें एल एच एल निकालना है एल एच एल लिमिट एक्स थोड़ी सी छोटी है फंक्शन ऑफ एक्स जब वन की वैल्यू थोड़ी सी छोटी है तो क्या कंसिडर होना है एक्स प्लस टू तो पुट कर देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एक्स प्लस टू तो वन की वैल्यू पुट कर दोगे तो थ्री आ जाएगा सिमिलरली अब आपको आरएचएल निकालना है तो आरएचएल हुआ आपका लिमिट x अप्रोचेस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ x so, वही सिमिलरली जब आप वन की वाली थोड़ी सी पर्डी पुट करोगे तो आपका इस बार फंक्शन क्या आ रहा है आपका फंक्शन है x माइनस टू वाला तो अब आप पुट करोगे वन माइनस टू इज माइनस वन तो अब आपको देख के पता चल रहा है कि आपका फंक्शन एल एच एल जो है इज नॉट इक्वल टू आरएचएल तो आपका फंक्शन जो है वो नॉन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू वन ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैमडा इज द फंक्शन डिफाइंड जो हमें फंक्शन गिवन है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और एक्स इज इक्वल्स टू वन तो हमें बेसिकली फाइंड करनी है लैमडा की वैल्यू जिसमें वो हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं पे चेक करेंगे एट तो करते हैं हम एल एच लेफ्ट लेफ्ट लिमिट फाइन करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ओके अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस क्या है आपकी कौन सा वाला फर्स्ट वाला लैमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हुआ फंक्शन अब आप जीरो पुट कर दो तो लैमडा जीरो माइनस जीरो इज जीरोल तो की वैल्यू आई जीरो अब हम आरएचएल फाइंड करते हैं आरएचएल हुआ हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इसमें हमारा पुट हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स क्या है फोर एक्स प्लस वन तो अब आप, आपका आया वन तो आप देख के पता चल रहा है आपको कि एल एच एल जो है आपका वो आरएचएल के इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन जो है वो नॉन कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अब एक्स इज इक्वल टू वन पे फाइन करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन आपको देख के ही पता चल रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है जीरो पर और जब आपका फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो आपका एक ही फंक्शन है और आपका जो पॉलिनामिल फंक्शन है वो ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस होता ही है तो आपको पता चल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वन पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही फिर भी हम फाइन कर लेते हैं हम एक लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ओके तो वन uh, से कोई भी छोटी वैल्यू ले लेते ले हैं हम माइनस वन ले लेते चलो फंक्शन हमने लिया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन पर तब तो हम फाइन करते हैं जब माइनस वन का आप कंसिडर कर रहे हो तब तो आपका ये वाला फंक्शन कंसिडर होगा तो अगर आप इसमें माइनस वन पुट करो तो क्या आ रहा है लैमडा एक्स स्क्वायर वन हो गया माइनस वन माइनस टू है तो एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो ये प्लस हो गई तो वन प्लस टू हो गया तो आपका क्या आया थ्री लैमडा लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई थ्री लैमडा अब आप फाइंड कर रहे हो राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स तो कोई भी वन से थोड़ी बड़ी वैल्यू आप वन कंसिडर कर लो तो फंक्शन ऑफ वन जब आपकी एक्स की वैल्यू वन है तो आपका क्या आ रहा है फोर एक्स प्लस वन फंक्शन तो आप पुट कर दो फोर एक्स प्लस वन वन पुट करना है फोर वन प्लस वन दैट इज फाइव तो अब आपको पता ही है कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है जब आपकी एल एच एल जो होती है वो आर एच एल की इक्वल होती है तो अब आप थ्री लैमडा इज इक्वल टू फाइव तो लैमडा की वैल्यू क्या फाइव बाई क्या आई लैमडा की वैल्यू फाइव बाय थ्री तो आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट द वैल्यू ऑफ लैमडा क्या है फाइव बाय थ्री एट एक्स इक्वल टू वन और जीरो पे आपको पता ही चल गया कि आपका फंक्शन जो है वो नॉन कंटिन्यूस है तो इज इक्वल्स टू जीरो फंक्शन हुआ इस क्वेश्चन पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें फाइंड करना है ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन हमें फंक्शन गिवन है अब हमें डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करनी है इसकी सबसे पहले फंक्शन जहां पे ब्रेक हो रहा है उसमें चेक करते हैं एट एक्स इज टू जीरो पे तो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x जब आपकी वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है तो आपका ये फर्स्ट वाला फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन ऑफ x अपॉन x जब आपने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में लिमिट्स वाला कुछ पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जब आपका लिमिट आप निकालते हो साइन एक्स बाय एक्स पे तो उसकी वैल्यू वन होती है हमेशा अब आगे चल लेते हैं फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो कौन सा फंक्शन होगा आपका x प्लस वन वाला तो x प्लस वन तो क्या आई वैल्यू वन जब आपने एक्स पे जीरो बुट किया तो गया okay? तो आपका एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल है तो मतलब आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू जीरो हमको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स निकालने थे बट आपका जो ब्रेक पॉइंट है उस पर तो वो कॉन्टिन्यूअस आ गया अब आप आ, बाकी पॉइंट्स भी कंसिडर कर लो जब एट x इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपका क्या फंक्शन है आपका फंक्शन है साइन एक्स बाय एक्स तो आपको पता ही है अच्छे से कि आपका लेट्स कंसिडर साइन एक्स को हम एक एफ वन ले लेते हैं एफ वन हुआ आपको ब्रेक कर लेते हैं इस फंक्शन को और एफ टू हुआ आपका x ठीक है तो आपको पता ही है कि साइन एक्स जो है होता है वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है सिमिलरली एक्स का तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आ, करके दिखा दिया था कि वाईज इक्वल टू एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होता ही है एट एवरी पॉइंट तो आपको पता ये एक थ्योरम कि अगर आपका एफ और जी जो है वो दोनों कॉन्टीन्यूस होते हैं तो क्या होता है आपका f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होता है आपका एफ माइनस जी कॉन्टिन्यूस होता है आपका एफ बाय जी कॉन्टिन्यूस होता है और आपका एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होता है तो एज पर दिस थ्योरम अगर आपका एफ वन और एफ टू कॉन्टिन्यूस हमने ही दिया है तो आपका एफ वन बाय आपका एफ वन आपका एफ वन बाय एफ टू भी है होगा कॉन्टिन्यूस तो क्या है आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स लेस देन जीरो पर भी एक्स इक्वल टू जीरो पे तो हमने प्रूफ, प्रूफ कर ही दिया था अब लास्ट है हमारा एट एक्स ग्रेटर देन जीरो पे प्रूफ करना है एट एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या है आपका फंक्शन आपका फंक्शन है एक्स प्लस वन तो आपका फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन तो आपको पता ही है फंक्शन जो होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस ही होता है अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो आप कर सकते हो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ऐसा आएगा और ये आपको पता ही चल रहा है देखिए कि ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस है तो आपका फंक्शन जो है ये भी कॉन्टिन्यूस ही है एट एक्स ग्रेटर देन जीरो पे तो इस क्वेश्चन में आपका कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं हुआ आपका फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूअस था ग्रेटर देन जीरो पे भी और लेस देन जीरो पे भी सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट और यू कैन से कॉमन क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं दैट वी हैव डन फॉर कंटिन्यूटी चैप्टर प्रैक्टिस के लिए इनकेस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन Okay, this is it for the video, and in the next video, we will be covering the differentiability part. Thank you.